ओके, सो लास्ट टाइम मैंने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें हमने दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करा, एंड वन ऑफ देम इज, एक था उसमें कौन सा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैंने ग्लोब लिया, और ग्लोब इज बेसिकली स्फेरिकल, रियलिटी में इट इज नॉट स्फेरिकल, इट्स एलिप्टिकल, बट हमने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट करने के लिए इसको स्फेरिकल माना. जब एलिप्टिकल होगा इट मींस उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो स्फेरिकल नहीं होंगे, दोज आर लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है. और ये दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमने पढ़े, इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या था, जो आर थीटा फाई थे वो क्या थे, दोज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इट्स लाइक दिस. इसमें एक्स वाई जेड क्या थे, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट इज एक्स, इट इज वाई एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस, ये सारे क्या थे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर थे. ये इस पे परपेंडिकुलर था, ये इस पे परपेंडिकुलर था, और ये इस पे परपेंडिकुलर था. ये परपेंडिकुलर है, लग नहीं रहा है मुझे यहाँ पे, बट इट्स अ परपेंडिकुलर, राइट. देन आते हैं दूसरे पे, ये हम क्या सपोज करते थे, से दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, एंड देन आर थीटा और फाई हम लेके चलते हैं, आर थीटा और फाई. सो इस डायरेक्शन को मैं आर कैप लेके चलूंगा, इस डायरेक्शन को मैं ई थीटा मान के चलूंगा, और एक सो ये हमारा आर आ गया, और हमारे पास ये ई फाई आ जाता है, इस तरह से ये यूनिट वेक्टर आ गया अलग अलग डायरेक्शन. ये भी क्या होंगे, दीज आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो दैट मीन्स विद ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी कॉल दैट एज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. दैट मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, अभी तक हमने जो किया उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल दैट एज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट इन एडिशन टू दैट देयर आर अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जहां पे क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जो एक्सिस थे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, नॉन परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं. तो वैसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आ गए, डिपेंड करते हैं आप किस तरह की प्रॉब्लम्स कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्लासिफिकेशन करते हैं. तो यहां पे जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से आते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपके कोर्स में कार्टेशियन होगा और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है. बट इफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट लाइक दैट, अगर मेरे पास नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट मींस, अगर मान लो मेरे पास कर्व्ड हैं और वो परपेंडिकुलर नहीं है, मींस नॉन परपेंडिकुलर मेरे पास कोई सिस्टम हो, जैसे सपोज करो हमने फ्लूइड के मोशन को स्टडी करना है, तो उस तरह की चीजें जब हमने स्टडी करनी है, देन दैट रिक्वायर ए डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. सो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास किस किस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं. सो इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड होता है,
एक्स वाई जेड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन आर थीटा एंड फाई आता है, और यहाँ पे रो थीटा फाई, रो थीटा एंड फाई, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं सिलिंड्रिकल, नहीं रो आर थीटा, इसमें आएगा आर रो एंड थीटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए। देन लेट मी टॉक अबाउट द नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मींस एक्सेस आर नॉट परपेंडिकुलर। यहां कर्व भी थे, जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कर्व थे, बट वो कर्व क्या थे, एक तरह से परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के ऊपर, कर्व्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन आती है, एक तो आती है ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन मींस एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, और भी कैटेगरीज हैं, मैं कुछ ही कैटेगरीज की बात कर रहा हूं जस्ट फॉर अ रेफरेंस। तो इसमें आते हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होगा, इस केस में एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर, आर नॉट परपेंडिकुलर। हल्की सी फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो मैंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्सेज बनाए, उसमें नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैंने काफ़ी बात करी हुई है। अगर आपको फ्री टाइम हो, जब एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद, आप देख सकते हो नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की किस तरह से वो, जो हमारा मैथमेटिक्स है चीज़ों को देखने का जो नज़रिया, हाउ दैट विल चेंज। बट ये आ गया कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स आर नॉट, कोऑर्डिनेट लाइंस आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट लाइंस आर नॉट स्ट्रेट लाइंस। तो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट, आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी कर्वीलीनियर बोल सकते हो। यहाँ पे एक लाइन तो स्ट्रेट थी, बट बाकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो थे वो क्या थे, दोज आर द कर्व्स, बट ये नॉन ऑर्थोगोनल था, बट थे कर्व्ड लाइंस, राइट। तो ये मेरे पास दो, ये कुछ एक टाइप्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है। एंड आफ्टर दिस लेट मी टॉक अबाउट, बिकॉज इसके बारे में तुम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करनी पड़ती है। मतलब अगर मेरे, मुझे नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया नहीं होगा तो मैं उन प्रॉब्लम्स को नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करूं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करूं, जब मुझे इलेक्ट्रोडायनामिक्स और रिलेटिविटी को इकट्ठे एक लाइन पे देखना है तो मुझे नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इट्स मैथमेटिक्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट वी नीड दैट। कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि हम कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे स्टडी करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें नीड ऑफ नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करी हुई है। यहाँ पे जस्ट ब्रीफ एग्जांपल, सॉरी, नीड ऑफ नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, बोलते ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम मोर नेचुरली डिस्क्राइब्ड बाय द नॉन परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स में इसकी ज़रूरत होती है, मींस द वेयर दिस इज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेयर ज्योमेट्री ऑफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम मीन्स
where we want to study a certain type of natural phenomena where the geometry of the problem is more naturally described by non-perpendicular lines. Perpendicular lines or curves. आप अगर ये वेदर फोरकास्टिंग के कर्व्स देखो तो वो नॉन परपेंडिकुलर होते हैं, कर्व्ड होते हैं, ठीक है। तो जब उस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, वेदर फोरकास्टिंग की जब प्रॉब्लम्स होगी, जब हमें वेदर का देखना है कि कब कैसा वेदर होगा, तो जो एयर का जो फ्लो है, इफ यू वांट टू स्टडी दैट, तो वहां पे कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मेरी स्टडी करेंगे, हेल्प करेंगे? नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो हमारी स्टडी करेंगे, सॉरी नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं दोज विल हेल्प अस। इसका मतलब जो हम मॉडलिंग करेंगे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जब लोग मॉडल करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, देन वी हैव टू स्विच टू द नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल जनरल रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुना है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम सुना हुआ, पढ़ा नहीं हुआ है बट यू हर्ड अबाउट इट, आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना हुआ। सो आइंस्टाइन हैज गिवन द आइडिया ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, तो या जनरल थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर्वेचर ऑफ स्पेस की बात की जाती है, स्पेस इज कर्व्ड, इस तरह का कर्व्ड हो, स्पेस कर्वेचर की जब बात की जाती है, जैसे इस तरह से स्पेस में कर्वेचर आ जाता है, व्हेन द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, तो वहां पे क्या चीज हेल्प करेगी? इट इज दिस नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विच विल हेल्प अस। सो विच विल हेल्प अस, सो दैट मीन्स स्पेस टाइम कर्वेचर, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, स्पेस टाइम कर्वेचर इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी तो अलग है बट इट इज ए जनरल रिलेटिविटी, सॉरी रिलेटिविटी इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट, बाई कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, बाई कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। रीमन ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स में आती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट हियर, मैं सिर्फ फिजिक्स के एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। फ्लूइड डायनामिक्स, so if I talk about fluid, so fluid क्या होता है, something that can flow, it may be solid or it may be liquid, so solids or liquids की जब हम fluid means which can flow, no, it's not a solid but it is a gas or liquid, तो gas or liquid जो है उसकी जब मुझे study करनी है, ठीक है, so उसकी study करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, we require a curvilinear coordinate system, curvilinear coordinate system is needed there, these are the certain examples, then एक और बड़ी interesting चीज आती है, image processing, image processing जब भी की जाती है तो उसमें भी non orthogonal coordinate systems की जरूरत पड़ती है, नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, उसका टेक्सचर देखना है, उसमें डिफरेंट इमेजेस में पैटर्न्स देखने हैं, तो जो जो ये जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग का यूज, सॉरी इमेज प्रोसेसिंग में हम नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज करते हैं,
तो ये जो आप, और साथ में एक और चीज़ की जाती है इमेज प्रोसेसिंग में, जिसको हम फिल्टर सर्किट्स बोलते हैं, फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है या फॉरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फिल्टर और फॉरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे मान लो कहीं से डाटा आ रहा है मेरे पास, सम इंफॉर्मेशन इज कमिंग, उस इंफॉर्मेशन को मुझे यूटिलाइज करना है प्रॉपरली, उसको अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे फॉरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी मैथमेटिकली। और अगर मान लो डिस्टॉर्शंस को रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ साथ में हेल्प करेंगे हमारे नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स वेयर वी नीड ए नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा अपना जो टॉपिक है जो हमारे कोर्स में है, दैट इज कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट हमें एक आइडिया होना चाहिए, एक इंट्यूटिव आइडिया होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि व्हाई दीज थिंग्स वी आर स्टडिंग। कभी कभी ख्याल आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना हार्ड कोर मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, रीमन ज्योमेट्री आप मैथमेटिक्स में करोगे वो क्यों कर रहे हैं। दैट मीन्स देर इज ए नीड ऑफ दैट, आपकी डेली लाइफ में यूज नहीं है बट साइंटिफिक कम्युनिटी को इन चीजों की जरूरत है, दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर टॉट टू यू। सो नाउ नेक्स्ट इज द कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेक्स्ट इज कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट मी टॉक अबाउट इट हियर, दैट व्हाट इज इट। ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रू, स्क्रू विजिबल है, एक दिन मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को क्लास में। दिस इज माय राइट हैंड, ठीक है, इसको मैंने होल्ड किया, बोल्ट को मैंने होल्ड किया एंड आई जस्ट जिस कर्ल कर रहा हूं मैं, देखना जरा जिस डायरेक्शन में इसको कर्ल कर रहा हूँ, ये देखना जरा, ये देखो इसकी एडवांसमेंट कहाँ हो रही थी, इसकी एडवांसमेंट ऊपर वाली डायरेक्शन में हो रही थी, इट इज़ गोइंग अपवर्ड, इट इज़ गोइंग अपवर्ड। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड, बिकॉज राइट हैंड को मैंने इस तरह से कर्ल किया, आई एम कर्लिंग इट इन दिस वे एंड इट इज़ एडवांसिंग इन द अपर डायरेक्शन। नट को मैंने होल्ड किया, आई एम नॉट रिवॉल्विंग, बट If I hold the bolt and revolving the nut, किस direction में जिसको मैं rotate कर रहा हूँ, इसको मैं, अब मैं इसको लगा rotate करने, किस direction में, left hand की direction में, तो ये bolt कहाँ जाने लगा, downward direction में। एक बार फिर से समझना, ये देखना जरा, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, एक बच्चा यहाँ आ सकता है मेरे पास यहाँ देखने के लिए, एनी वन, जल्दी आओ, जस्ट कम अप, जस्ट देखना है कि दैट वट इज गोइंग ऑन। वैसे ये विजिबल है स्क्रीन पे, मैंने देखो इसको ये पकड़ा, ये राइट हैंड है मेरा, दिस इज माई राइट हैंड, आई जस्ट होल्डेड इट और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स मेरी कर्ल कर रही थी उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये, अपर डायरेक्शन में, इट इज मूविंग अपर, यू कैन सी इट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इसको होल्ड किया और मैंने नट को लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू किया, ये देखो, तो ये कहाँ जा रहा था, नट कहाँ जा रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जब मैंने लेफ्ट हैंड में जब फिगर्स को मैंने कर्ल किया तो डायरेक्शन अपोजिट हो रही है दोनों के कंपेरिजन में, मतलब एक में अपवर्ड में जा रही थी, एक में बॉडी कहाँ जा रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहां तो चलो ये हमारा राइट हैंडेड स्क्रू था, लेफ्ट हैंडेड स्क्रू भी होते हैं, जहां पे मान लो कोई चीज एक डायरेक्शन में घूम रही है वहां पे उसके जो स्क्रू होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में टाइट होते हैं। इफ यू लुक एट ऑल दोज थिंग्स विच आर रोटेटिंग, एक नट अगर
एक स्क्रू मान लो लेफ्ट साइड को जा रहा है, तो जहां पे रोटेशन वाली चीज है वहां पे हो सकता है वो राइट साइड को हो, या राइट एक एक स्क्रू राइट में होगा, दूसरा किस में होगा, लेफ्ट में, जहां पे रोटेशन होती है, अगर आप उन चीजों को केयरफुली देखो, ठीक है। तो जो थ्रेड होते हैं ना इसमें, ये जो थ्रेडिंग लगी होती है ये अपोजिट होती है, उसकी थ्रेडिंग अपोजिट होगी, इसमें इधर को है इसमें उल्टी होगी। जैसे सपोज करो एक जो था सिस्टम मेरे पास, अगर मैं इनको केयरफुली देखूं, मान लो ये था सिस्टम, एक में थ्रेडिंग इस डायरेक्शन में है, दूसरे में जो थ्रेडिंग होगी वो किस तरह से होगी, सॉरी इस डायरेक्शन में होगी, एक लेफ्ट हैंडेड होगा एक राइट हैंडेड है। इसके बेसिस पे हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है, दूसरा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। सो वन इज द लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अनदर इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। And another is right-handed coordinate system. दो तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार इस तरह से भी कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। बट हेयर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, स्क्रू, स्क्रू का एग्जाम्पल ये कह रहा है। तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांसमेंट करेगा, अगर देखो राइट, अगर इस तरह से फिंगर को मैं इनको कर्ल कर रहा हूँ, तो अगर थंब की डायरेक्शन में वो जा रहा है राइट हैंड के केस में, तो इसको मैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलूँगा। बट इफ़ इट इज़ कर्ल इन दिस डायरेक्शन, तो अगर इस डायरेक्शन में एडवांसमेंट हो रही है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलूँगा। क्लियर। कई बार इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लेते थे, उसकी तरह से भी इसको क्लासिफिकेशन की जाती है। मतलब डिफरेंट वेज हैं चीज़ों को देखने के, एक एक ही अप्रोच नहीं है चीज़ों को देखने की। सो क्योंकि मैं स्क्रू की एडवांसमेंट की डायरेक्शन में चीज़ को देख रहा था, मैं वैसे कोशिश कर रहा था मुझे लेफ्ट हैंडेड स्क्रू मिल जाता, बट नहीं मिला। सो देन आई थॉट कि क्यों ना नट और बोल्ट की मूवमेंट के हिसाब से चीज़ों को बताया जाए, क्योंकि एक चीज़ अगर एडवांस हो रही है तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई आई होल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंड, एंड आफ्टर दैट आई होल्ड द अनदर एंड and they rotated another one and vice versa, that's what I did here। तो इस तरह से हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। सो किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। सो व्हेन एक्स, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो व्हेन इट इज रोटेटेड अलोंग एक्स, एक्स को जब वाई की ओर किया, रोटेट किया, इस तरह की चीज आप कहाँ देखते हो, क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखते हो, ए क्रॉस बी। मीन्स व्हेन, अगर सपोज करो ये ए वेक्टर था, ये बी था, एंड व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स दिस, तो एडवांसमेंट कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा आ गया राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट इफ दिस एक्स इज रोटेटेड अलोंग दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी एडवांसमेंट इधर को होगी। बट ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी ये, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको कई बार काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। घड़ी किस डायरेक्शन मूव करती है, इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या था, ये तो इधर को चल रहा था, अपोजिट था, तो इसको बोल दिया काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है, ये हमारे पास राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करते हैं, राइट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो आई विल टॉक अबाउट कि किस तरह से हम पोजिशंस को देखते हैं, किस तरह से वेक्टर्स के बारे में देखा जाता है, किस तरह से हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे ली जाती है, एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स।
राइट. सो नाउ आई एम मेनली फोकसिंग ऑन योर कोर्स. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे.